नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 4 सप्ताह और बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दंड विधान संहिता CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने को कहा तथा प्राथमिकी निरस्त करने संबंधी उनकी याचिका का निपटारा कर दिया। इस बीच न्यायालय ने नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मोहलत 4 सप्ताह और बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जब जान जारी हो तो प्राथमिकी को निरस्त करना उचित नहीं होगा। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से मामले से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पीठ के समक्ष पेश किया। गत 4 अक्टूबर को न्यायालय ने नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी निरस्त करने संबंधी नवलखा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कारोबारी गौतम खेतान के खिलाफ काला धन निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक का आदेश खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगनादेश निरस्त कर दिया। पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह खेतान की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन समेत 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि ये महिलाएं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने और राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में बांटने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। महिला प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व कर रही अब्दुल्ला की बहन सुरैया और उनकी बेटी साफिया को पुलिस ने पहले हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि वहां पर काली पट्टी बांधकर तख्तियां पकड़े प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक लौट जाने के लिए कहा। पुलिस के अनुरोध के बावजूद महिलाओं ने लौटने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन जारी रखते हुए धरना देने की कोशिश की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहनों में बैठाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कवरेज के लिए आए मीडिया कर्मियों को बयान वितरित करने से रोकने का प्रयास भी किया। बुकर पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाले निर्णायक मंडल ने 1992 के बाद पहली बार नियमों को तोड़ते हुए इस साल प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कनाडाई लेखिका मार्गरेट एटवुड और ब्रितानी लेखिका बर्नार्डिन एवरेस्टो को संयुक्त विजेता घोषित किया। एटवुड यह पुरस्कार अपने नाम करने वाली सर्वाधिक उम्र की विजेता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार के लिए छांटी गई 6 पुस्तकों में ब्रितानी भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का उपन्यास कई चोटें भी शामिल था। बुकर के नियमों के अनुसार इस पुरस्कार को बांटा जा सकता है, लेकिन निर्णायक मंडल ने कहा कि वे एटवुड की द टेस्टामेंट और एवरेस्टो की गर्ल वुमेन अदर में से किसी एक को नहीं चुन सकते। इससे पहले 1992 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया था। आयोजकों ने इस साल के निर्णायक मंडल से कहा था कि वे 2 विजेताओं को नहीं चुन सकते। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़। धन्यवाद।